मेनली इसमें यूज़ हुआ है ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर सब यूज़ किया है, जो जिसका पावर बहुत ज्यादा। ये ब्रशलेस मोटर लगभग 1 kg तक थ्रस्ट मार सकता है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ के युवा जुगाड़ तंत्र से भी ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के दूर दराज गाँव सुजावलपुर का भी एक ऐसा ही युवा है, रिकी शर्मा, जो इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सका। लेकिन उसने अब जुगाड़ से फाइटर प्लेन बना दिया है। रिकी ने मछली के डब्बे में प्रयोग होने वाले थर्मोकॉल से F-22 रैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन बनाया है, जो 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। रिकी के इस प्रयोग से आसपास के लोग भी हैरान हैं। जब रिकी अपने गांव में इस प्लेन को उड़ाता है तो उसकी आवाज़ सुन लोग घर से बाहर निकलकर आसमान में देखने लगते हैं। रिकी स्नातक का छात्र है। उसके पिता नवल किशोर शर्मा लकड़ी के काम के साथ साथ साउंड सिस्टम का काम करते हैं। रिकी 9वीं कक्षा से ही इसे बनाने के बारे में सोचता था। हालांकि रिकी ने इसे महज 1 सप्ताह के अंदर ही अपने फाइटर विमान को बना लिया। इसे बनाने में महज 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च हुए। रिकी के दादा बताते हैं कि वह इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके अंदर का टैलेंट नहीं दबा, वो लगातार कुछ नया बनाने की कोशिश में रहता है। आपने ये फाइटर प्लेन बनाया कैसे? इसको बनाया? इसको तो मेनली थर्मोकॉल से ही बनाया है। मेनली इसमें यूज़ हुआ है ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर सब यूज़ किया है, जो जिसका पावर बहुत ज़्यादा है। ये ब्रशलेस मोटर लगभग 1 kg तक थ्रस्ट मार सकता है और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज होता है, जिसका डिस्चार्जिंग रेट 66 एम्पीयर के आसपास है, जिसका थ्रस्ट के कारण ये फ्लाई अच्छे से करता है। ये बनाने का आइडिया कब आया आपको? ये तो बचपन ही में आया था, 9th क्लास में था तब से ही आया, बट अब जाके पूरा हुआ है। क्या बनना चाहते हैं रिकी आप? कुछ नहीं, सिंपल सा, बस यही सब करूं और कुछ अच्छे पद पर मिल जाए इसमें काम करने का। इसमें काम करना चाहते हैं आप? इंजीनियरिंग करना चाहते थे? हाँ। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा तो आर्थिक तंगी से ही होता है, जो एक बार एक नहीं जा सकता है कोई, पैसे की कमी। हाँ। आगे क्या करेंगे इस फाइटर प्लेन को लेके, कैसे काम करेंगे इस पे? अब इसको तो मतलब इसमें एडवांस बस बनाना है, मतलब इसमें तो उतना स्पीड नहीं है, उतना स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे मेरे को EDF मोटर वो जेट इंजन टाइप बना के इसको और मतलब थोड़ा बड़ा बना के और स्पीड करना है। कौन सा मॉडल बनाने की कोशिश की आपने? ये F-22 रैप्टर है, तो फाइटर प्लेन। फाइटर प्लेन, फाइटर जेट। किस क्लास में आप अभी? BA Part 2। कितना दिन लगा इसको बनाने में? इसको बस 1 वीक भी नहीं लगा, 4-5-6 दिन के आसपास।